2007 T20 वर्ल्ड कप फाइनल का मैच सामने पाकिस्तान जैसा मजबूत प्रतिद्वंदी। जीतने के लिए पाकिस्तान को आखिरी चार बॉलों पर चाहिए थे 6 रन। जोगिंदर शर्मा बॉलिंग एंड से बॉल लेकर भागते हैं और बल्लेबाजी कर रहे मिसबाह उल हक बॉल को स्कूप करते हुए फाइन लेग की दिशा में गेंद को हवा में उड़ा देते हैं। ये पल दुनिया की सांसें रोक चुका था, लेकिन कप्तान समझ चुका था कि नीचे खड़ा उनका पहरेदार श्रीशांत इस बॉल को कैच कर लेगा और भारत वर्ल्ड कप जीत चुका था। और कैमरा लगातार एक लंबे बालों वाले विकेट के पीछे खड़े एक शख्स पर लगातार फोकस कर रहा था। यहीं से जन्म हुआ था भारत के लिए एक नए अध्याय का, जिसे हमने और आपने महेंद्र सिंह धोनी के नाम से जाना। लेकिन क्या यह 2023 IPL सीजन धोनी का आखिरी IPL सीजन होने वाला है? आज की वीडियो में जानेंगे कि अपने करियर क्या शायद आखिरी IPL खेलने वाले इस खिलाड़ी की हिस्ट्री क्या रही है। लेकिन उसके लिए जरूरी यह है कि आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी हाथ से दबा लें। अपने हेलीकॉप्टर शॉट से पूरी दुनिया में मशहूर हुए महेंद्र सिंह धोनी यानी कि माही के बारे में कहा जा रहा है कि इस साल 2023 में होने वाली IPL में वो अपनी क्रिकेटिंग करियर का अंत करने जा रहे हैं। हाँ, ठीक सुना आप लोगों ने, हमारे और आपके सबसे पसंदीदा माही को शायद इस बार जब हम IPL में बैट पकड़े देखेंगे तो शायद वो उनके क्रिकेटिंग करियर का आखिरी हिस्सा होगा। वैसे तो धोनी को किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, शायद ही ऐसा कोई होगा जिससे धोनी के करियर पर्सनल लाइफ के बारे में पता ना हो। धोनी का नाम लेते ही हमारे दिमाग में दो दृश्य सामने आ जाते हैं। एक वह जब धोनी 2007 T20 वर्ल्ड कप के आखिरी ओवर डालने के लिए जोगिंदर शर्मा को बॉल थमाते हैं, वहीं दूसरा फ्रेम हमें लेके चलता है 2011 वर्ल्ड कप के फाइनल में, जहां श्रीलंकाई बॉलर नुवान कुलसेकरा की बॉल को आखिर में वो छक्का मारकर भारत को विश्व कप जीतने का सपना पूरा कर देते हैं। ये पल सभी भारतीयों के रोंगटे खड़े कर देने वाला पल था। और हम ये बात भी जानते हैं कि इस पल को याद करके आप लोगों के मन में भी अलग सी फीलिंग तो जरूरी आई होगी। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी के लिए उनके करियर की यह राह हमेशा से ही बहुत उथल पुथल वाली रही है। धोनी ने क्रिकेट खेलने की शुरुआत अपने स्कूलों के दिन से कर दी थी, लेकिन इंडियन टीम का हिस्सा बनने में इनको कई साल लग गए। लेकिन जैसे ही धोनी को हमारे देश की ओर से खेलने का मौका मिला तो उन्होंने इस मौके का बखूबी उपयोग किया और धीरे धीरे से अपने आप को क्रिकेट की दुनिया में स्थापित कर दिया। सन 1981 में भारत के झारखंड राज्य में जन्मे धोनी ने DAV जवाहर विद्या मंदिर स्कूल से अपनी शुरुआती शिक्षा हासिल की थी। अपनी 12वीं कक्षा की पढ़ाई करने के बाद इन्होंने सेंट जेवियर कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन क्रिकेट के लिए धोनी को अपनी पढ़ाई के साथ समझौता करना पड़ा और इन्होंने अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया। वो कहते हैं ना कि कुछ बड़ा करने के लिए आपकी सोच भी बड़ी होनी चाहिए। इसका जीता जागता उदाहरण है MS धोनी। धोनी के पिता पान सिंह झारखंड के मैकॉन नाम की कंपनी में काम किया करते थे और इनकी माता का नाम देवकी देवी है। इनके परिवार का नाता उत्तराखंड राज्य से है, लेकिन इनके पिता अपने कार्य के चलते झारखंड आकर रहने लगे थे, जिसके बाद से वे यहीं आकर बस गए और हम धोनी को रांची का ही जानने लगे। हालांकि धोनी के ऊपर बनाई गई बायोपिक में कहीं भी उनके भाई का जिक्र नहीं हुआ है, लेकिन अब आपको बता दें कि धोनी के एक बड़े भाई भी हैं। धोनी के परिवार में इनको माँ और पिता के अलावा इनकी बहन, भाई, पत्नी और एक बेटी भी है। इनकी बड़ी बहन पेशे से एक अध्यापिका है और बड़े भाई एक राजनेता है। इन्हें साल 1999 में पहली बार रणजी ट्रॉफी खेलने को मिला था और ये पहला रणजी ट्रॉफी मैच बिहार राज्य की तरफ से असम क्रिकेट टीम के विरुद्ध खेला गया था। इस मैच की दूसरी पारी में धोनी ने नाबाद 68 रन बनाए थे, जबकि रणजी ट्रॉफी के सीजन में इन्होंने 5 मैचों में 283 रन अपने नाम किए थे। इस ट्रॉफी के बाद धोनी ने कई और घरेलू मैच भी खेले। धोनी के बेहतर प्रदर्शन के बावजूद भी इनका चयन ईस्ट जोन सेलेक्टर्स द्वारा नहीं किया गया था, जिसके कारण धोनी ने खेल से दूरी बना ली और साल 2001 में कोलकाता राज्य में रेलवे विभाग में बतौर टिकट कलेक्टर के रूप में काम करना शुरू कर दिया। लेकिन खड़गपुर रेलवे स्टेशन की इस नौकरी में धोनी का मन नहीं लगा और इन्होंने 3 साल के अंदर इस नौकरी को छोड़ दिया और फिर से अपने क्रिकेट करियर पर ध्यान देना शुरू कर दिया। लेकिन धोनी और उनके सपने कहाँ किसी की पकड़ में आने वाले थे, वो तो लंबी उड़ान के लिए बने थे। साल 2001 में धोनी का चयन दिलीप ट्रॉफी के लिए हो गया, लेकिन धोनी को उनके चयन की जानकारी सही समय पर नहीं मिल पाई, जिसके कारण धोनी इस ट्रॉफी में हिस्सा नहीं ले पाए। साल 2003 में धोनी को जमशेदपुर में प्रतिभा संसाधन विकास विंग के मैच खेलते हुए बंगाल के पूर्व कप्तान प्रकाश पोद्दार ने देखा, जिसके बाद उन्होंने धोनी के खेल की जानकारी NCA में दी। धोनी ने साल 2003-04 के देवधर ट्रॉफी में भी हिस्सा लिया था, जहां धोनी पूर्वी जोन टीम का हिस्सा थे। देवधर ट्रॉफी का यह सीजन इनकी टीम द्वारा जीता गया था और धोनी ने सीजन में कुल 4 मैच खेले थे, जिसमें उन्होंने 244 रन बनाए।
इसके तुरंत बाद साल 2004 में धोनी का चयन इंडिया ए टीम में कर लिया गया। इंडिया ए टीम की ओर से धोनी ने अपना पहला मैच बतौर विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पर खेलते हुए जिम्बाब्वे के विरुद्ध काफी अच्छा प्रदर्शन किया। तीन देशों के बीच जिनमें केनिया ए, भारत ए, पाकिस्तान ए में हुई श्रृंखला में भी धोनी ने दमदार प्रदर्शन किया और पाकिस्तान ए टीम के विरुद्ध खेले गए मैच में अपने अर्धशतक की मदद से धोनी ने भारतीय टीम को मैच जिताया, जिसमें पार्थिव पटेल और दिनेश कार्तिक जैसे अंडर 19 के बड़े बड़े नाम शामिल थे। लेकिन धोनी के इस तेज का सामना करना उस समय सबके लिए मुश्किल था। इसके बाद तारीख आई 23 दिसंबर 2004 और धोनी को भारतीय टीम की ओर से पहला इंटरनेशनल वनडे मैच खेलने का मौका मिला बांग्लादेश के विरुद्ध। अपने पहले इंटरनेशनल मैच में वो कुछ खास नहीं कर सके और जीरो पर ही वापस लौट गए। हालांकि धोनी के खराब प्रदर्शन के बावजूद भी इनका चयन पाकिस्तान के साथ खेले जाने वाले अगले ओडीआई मैच में कर लिया गया था। पाकिस्तान के साथ खेले गए इस मैच में धोनी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। इस मैच में उन्होंने कुल 148 रन अपने नाम किए, जिसके साथ ये पहले ऐसे भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज बन गए जिन्होंने इतने रन बनाए हो। ये पहला मौका था जब पूरी दुनिया ने धोनी के स्वरूप को देखा, लेकिन धोनी को तो अभी और लंबा जाना था और लक्ष्य था टेस्ट मैच खेलना, जो कि पूरा हुआ 2005 में और इन्होंने अपना पहला मैच श्रीलंका टीम के विरुद्ध खेला। इस मैच की पहली इनिंग में धोनी ने कुल 30 रन अपने नाम किए थे, मगर बारिश के चलते मैच बीच में ही रद्द करना पड़ा। साल 2006 में पाकिस्तान के विरुद्ध खेलते हुए इन्होंने अपनी पहली टेस्ट सेंचुरी लगाई थी और इसी कारण ही इस टेस्ट मैच में भारत को फॉलो ऑन से बचने मदद मिली थी। इसके बाद धोनी ने वनडे और टेस्ट क्रिकेट में कई कीर्तिमान अपने नाम किए, लेकिन कहानी में अभी एक बड़ा मोड़ आना बाकी था। T20 क्रिकेट अब एक अलग रफ्तार पकड़ने लगा था और ICC, जो कि पूरे विश्व में क्रिकेट की सबसे बड़ी गवर्निंग बॉडी है, उन्होंने T20 क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए T20 वर्ल्ड कप की घोषणा कर दी और ये वर्ल्ड कप आयोजित किया गया साल 2007 में साउथ अफ्रीका की धरती पे, क्योंकि इसी साल भारत 2007 ODI वर्ल्ड कप में पहले से ही बुरी तरह से हार कर बाहर हुई थी। तो टीम के कई बड़े खिलाड़ियों ने T20 वर्ल्ड कप से अपना नाम पीछे ले लिया और BCCI के आगे नई चुनौती थी कि अब एक ऐसी नई टीम बनाई जाए और एक नए कप्तान के अंडर टीम को T20 विश्व कप में भेजा जाए। तो BCCI ने फैसला लिया साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के खिलाफ वाइस कैप्टन रहे MS धोनी को T20 टीम की कप्तानी सौंप दी जाए और बस वो समय था और आज का समय। उसके बाद की कहानी हम सबको पता है कि किस तरह धोनी की कप्तानी में भारत ने ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान जैसी टीमों को हरा कर आगे वर्ल्ड कप अपने नाम किया। इसके तुरंत बाद ही धोनी को भारतीय ODI क्रिकेट की भी कमान सौंप दी गई और महज एक साल के अंदर ही 2008 में उन्हें टेस्ट टीम का भी कप्तान नियुक्त कर दिया गया। धोनी की कप्तानी के दौरान ही भारत साल 2009 में ICC टेस्ट रैंकिंग में पहला स्थान हासिल कर पाया और धोनी ने कप्तान रहते हुए कई सारे रिकॉर्ड भी अपने नाम किए। इसी बीच साल 2008 में IPL की भी शुरुआत हो गई और धोनी को चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी का भी जिम्मा सौंप दिया गया। अपनी कप्तानी में धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स को लगातार 2 साल 2010 और 2011 में चैंपियन बनाया था और बाद में 2018 और 2021 में भी चेन्नई को IPL की ट्रॉफी चूमने का मौका मिला। इसी के साथ अब वक्त आ चुका था जब पहली बार भारत धोनी की कप्तानी में ODI वर्ल्ड कप खेलने जा रहा था। आगे की कहानी शायद हमें बयान करने की जरूरत नहीं है। किस तरह धोनी की कप्तानी में भारत ने वर्ल्ड कप जीतकर पूरे विश्व को एक बार फिर से याद दिला दिया था कि क्रिकेट में हमारा एक अलग मुकाम है। महेंद्र सिंह धोनी को साल 2007 में इंडिया गवर्नमेंट ने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया था, जो कि खेल की दुनिया में दिया जाने वाला शीर्ष अवार्ड है। धोनी को साल 2009 में पद्मश्री अवार्ड और साल 2018 में पद्म भूषण से भी इंडिया की गवर्नमेंट द्वारा नवाजा गया। साल 2011 में धोनी को डी मोंटफोर्ट यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टरेट की डिग्री दी गई। इसके अलावा धोनी ने 2 बार ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर, कई बार मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड भी जीते। साल 2013 में एक बार फिर दुनिया ने धोनी के करिश्मे को तब देखा जब भारत ने इंग्लैंड जैसी बड़ी टीम को ICC चैंपियनशिप ट्रॉफी के फाइनल में बहुत ही कड़े मुकाबले में हराकर ट्रॉफी अपने नाम की। धोनी के करियर में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब धोनी ने साल 2014 में ऑस्ट्रेलिया टूर के दौरान खुद की टेस्ट फॉर्मेट से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। इसके बाद साल 2017 में धोनी ने खुद को भारतीय क्रिकेट टीम के लिमिटेड ओवर की कप्तानी से भी पीछे खींच लिया। समय के साथ साथ अब धोनी का क्रिकेटिंग ग्राफ भी नीचे जाने लगा और उन्हें कई आलोचकों का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद समय आता है साल 2019 का और इंडियन टीम अब विराट कोहली की कप्तानी में वर्ल्ड कप खेलने पहुंचा। तब किसे पता था कि जब सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ धोनी रन आउट होते हुए तो ये भारत के वर्ल्ड कप जीतने के सपने के साथ साथ धोनी के इंडियन टीम के सफर का भी अंत हो रहा है। ठीक इसके एक साल बाद समय का पहिया आगे भागते हुए पहुंच जाता है 15 अगस्त 2020 की तारीख पर। धोनी ने शाम 7:29 पर इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की जिसमें फेमस संगीतकार मुकेश का एक गाना मैं पल दो पल का शायर बैकग्राउंड बज रहा था और धोनी अपनी इस 4 मिनट
सात सेकंड की वीडियो के साथ अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का समापन करते हुए नीचे लिखते हैं, थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव एंड सपोर्ट थ्रू आउट फ्रॉम 1929 आवर्स, कंसीडर मी एज रिटायर्ड। इसी के साथ सब देशवासी अब ये बात जान चुके थे कि अब वो कभी भी धोनी को भारत की नीली जर्सी में नहीं देख पाएंगे। अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर के अंत करने से पहले धोनी ने भारतीय टीम के लिए 90 टेस्ट, 350 वनडे और 98 T20 मैच खेलते हुए कुल मिलाकर 17,266 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 16 शतक और 108 अर्धशतक लगाए। लेकिन उन्होंने इसके बाद भी आईपीएल में खेलना जारी रखा और अपनी फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए 2021 में फिर से ट्रॉफी जीती। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर अच्छी चीज को एक ना एक दिन खत्म हो ही जाना होता है, तो इस बार खेले जाने वाला आईपीएल सीजन शायद एमएस धोनी के लिए उनके आईपीएल करियर का भी आखिरी सीजन कहा जा रहा है। अपने आईपीएल के शानदार करियर में धोनी ने 234 मैचों में 4,978 रन बनाए। लेकिन गौरतलब बात यह है कि जिस तरह हम क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल मानते हैं, उसी तरह धोनी कब और क्या करेंगे उसका भी कोई सही अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। बहरहाल जो भी हो, लेकिन धोनी ने हमें कई बार अपने देश पर गर्व करने का अवसर दिया है। धोनी अगर क्रिकेट से दूर भी हो जाए तो उनके करोड़ों फैंस के लिए वो हमेशा भारत के सबसे बेहतरीन कप्तान रहेंगे। इसी के साथ आपको हमारी वीडियो मजा आया हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।